उसको चांदी का कुछ सिक्का मिल जाए तो आदमी कितना खुश हो जाता है, बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा। और यदि और थोड़ा आगे बढ़ता है तो सोने के जगह पर चांदी के जगह पर सोने की सिक्का मिल जाए तब फिर क्यों क्यों खुश होगा? क्योंकि वो जानता है कि ये जो चांदी के जगह पर चांदी के मूल्य पर सोने के मूल्य अधिक होता है। और यदि फिर आगे बढ़ा और उसके सोने और चांदी के बजाय उसके हीरे मिल जाए तब वो न जाने उछल के खुशी के मारे उछल कूदेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। क्यों हो रहा है खुशी? क्योंकि उसके मूल्य को हम समझते हैं, उसके मूल्य को हम आंकते हैं। कुछ सोना और चांदी के मूल्य के बजाय हीरे के जो मूल्य होता है क्या कीमती है वो, और बहुत कम मिलता है। लेकिन ऐसे ही तो हमारा जो जीवन है, आप देख लीजिए जितने भी जीव देवधारी है, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक लेकर लेकिन उन सभी देहधारियों में सोचने विचारने समझने या कुछ काम करने की क्षमता मनुष्य के बराबर है? न वो सोच सकता है, न विचार सकता है, और न ही सोच समझकर काम कर सकता है। वो कितना है? वो भोगों को भोग सकता है, भोजन मिले तो भोजन कर सकता है, बस इतना ही। लेकिन मानव ऐसा नहीं है। मानव विचार सूझबूझ पूर्वक काम करता है, उसके विवेक की शक्ति मिली हुई है, छानबीन करता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो क्या देखने योग्य है या करने योग्य है, इस समझ की शक्ति है उसे। ये मानव जीवन को कल्याण की भूमिका कहा गया है। इस मानव जीवन में हम बंधन भी बना सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे मानव जीवन जो हीरे के समान मिला हुआ, हीरा इसलिए कहा गया है क्योंकि इतने जो मानवतर देहधारी है न जाने कितने असंख्य है, उनमें तो उतनी समझ शक्ति नहीं है। लेकिन ये मानव जो देहधारी है, मानव जो जीवन मिला है, उसमें समझ विवेक ये सब बुद्धि मिली हुई है। ये सब कल्याण का भी काम कर सकते हैं, पर और स्वर का भी काम कर सकते हैं, बंधन भी बना सकते हैं तो मुक्ति को भी अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए ये मोक्ष भूमिका भी कहा गया है। लेकिन ऐसे मोक्ष भूमिका मानव जीवन को पा करके क्या हम मोक्ष का काम कर रहे हैं? क्या हम भक्ति का काम कर रहे हैं? वही जो नहीं करना चाहिए वही दुखों का काम कर रहे हैं। जिस धन को हम सुख के लिए इकट्ठा करते हैं उस धन से हम दुख भी पाते हैं। जिस परिवार से हम सुख की अपेक्षा रखते हैं उसी परिवार से हम सुखी दुखी होकर डूबते डूबते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समझ हम ठीक नहीं रख पाते हैं। हमारी जब समझ ठीक हो जाए, गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी भी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। गोस्वामी जी भी कहते हैं जितने भी संसार के महापुरुष हुए हैं, जो मानव कल्याण के लिए जो सोचे हैं, मानव जीवन को देख करके जो दुखी हुए, उनको दुख दे करके द्रवित होकर के बोल पड़े हैं। क्योंकि मानव की जीवन पाकर के, मानव जैसे जन्म को पाकर के कैसे वो कीचड़ में अपने जीवन को गंवा रहा है, और वो बोल पड़े हैं, वो समझा गए हैं। चाहे वो कबीर भगवान, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे सतगुरु कबीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे गोस्वामी, चाहे कोई भी महापुरुष हो, वो आपके जीवन को देखे नजदीकी से, आपके आप कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे दुखों में उब डूब रहे हैं, वो सबको देखें और उनके उनके उद्गार से, उनके मुख से शब्द निकल गए आपके लिए कि आप भी विचार करें उस पर। गोस्वामी जी कहते जो न तरे भवसागर, ये भवसागर क्या है? दो प्रकार के भवसागर आप समझ, भवसागर एक तो ये संसार है जिसमें हम व्यवहार करते हैं, जिसमें हम सुखी दुखी होकर के व्यवहार करके किसी से लड़ते हैं, किसी से झगड़ते हैं, किसी से क्रोधित होते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं,
ये भव सागर क्या है, उठते डूबते रहते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं, परिवार के लोग हैं या पड़ोसी लोग, जिन लोगों से हम जितना व्यवहार करते हैं, उन लोगों के व्यवहार से हम क्या प्रसन्न हैं? क्या हमारे व्यवहार से, क्या हमारे आचरण से जो लोग हैं वो संतुष्ट हैं? यदि हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हमारे इर्द गिर्द आस पड़ोस के लोग रहने वाले हैं यदि वे खुश नहीं हैं, तो समझो कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जीवन है, हम सही जीवन नहीं जी रहे हैं। ये क्या, ये भवसागर, यही भवसागर है, बाहरी भवसागर। लेकिन आंतरिक भवसागर क्या है, जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, प्रपंच, इसमें हम डूबे रहते हैं, इसमें हम अपने आप को डुबाए रहते हैं। ये भवसागर से हम तर नहीं पाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तेरे भवसागर, ऐसे जो आंतरिक और बाहरी जो भवसागर हमारे लिए बना हुआ है, घेरा बना हुआ है, उन घेरे से यदि हम पार नहीं हो पा रहे हैं, तो ये मानव जीवन बेकार चला जाएगा। ये जो मानव जीवन मिला हुआ है किस लिए, ये भवसागर से पार होने के लिए। जो न तेरे भवसागर नर समाज अस पाए, यदि हम वो काम नहीं करते तो क्या कहते गोस्वामी जी, क्या कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आप यदि बहुत दुखी, आसान, असंतोष भरा जीवन जी रहे हैं और उस असंतोष और दुखी भरे जीवन से आपको यदि कोई मुक्त कर देता है, आपकी वाणी के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति की यदि हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, उसकी धन्यवाद न करें, तो शत्रु को, तो गोस्वामी जी क्या कहते, ये निंदनीय है। यदि ऐसे मानव जीवन पा करके यदि हम कल्याण का काम नहीं करें, सेवा का काम नहीं करें, भक्ति का काम नहीं करें, तो ये क्या है, निंदनीय, आत्महन गति जाए, आत्महत्या करने के समान है। इसलिए सज्जनों आवश्यकता है, ये मानव जीवन मोक्ष भूमिका है, उसको हम समझे, भक्ति करें, भजन में लगे। आगे गोस्वामी जी भी और कहते हैं, भक्ति के लिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन 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 नीचे करो, छोटा करो, ढीला करो, ये लंबा हो जाता है ना, बस। तो मैं कह रहा था, गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिली न संता, सतसंगत सत्सिद कर अंता। कहो भक्ति पद कौन प्रयासा, योग न जब तक जब तब मक उपवासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र, भक्ति करने में आप स्वतंत्र है, और भक्ति यदि करते हैं तो आपके जीवन में सारे गुण, सारे सद्गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। लेकिन कब, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। यदि आप सत्संग में नहीं जाएंगे, गुरुजनों के पास नहीं जाएंगे, ज्ञान की चर्चा नहीं सुनेंगे, तो भक्ति के महत्व को समझेंगे कैसे आप? भक्ति है क्या? पहली बात तो ये समझेंगे भक्ति है क्या। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। अब हम किसकी सेवा कर रहे हैं? कोई मंदिर में जाता है, मूर्ति होती है, उसका दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, यहाँ तक कि भोग भी लगाते हैं, इसको सेवा मानते हैं। लेकिन मानव, जहाँ कहीं भी आप देख लीजिए, मंदिर हो या धर्म स्थल हो, वहाँ यदि मूर्ति बना दिया जाए, मंदिर बना दिया जाए, और आदमी ना जाए, इंसान ना जाए, व्यक्ति ना जाए, तो क्या उस मूर्ति, उस मंदिर का महत्व बढ़ेगा? और यदि जिस मंदिर में बहुत भीड़ लगती हो,
जिस मूर्ति के पास से धर्म स्थल में बहुत भीड़ लगी हो और यदि उस भीड़ के लिए उस मानव समाज के लिए कोई सेवा का कोई सुव्यवस्था ना हो तो फिर वहां लोग जाना बंद कर देंगे। इसलिए जहां भी हम सेवा का बात आती है तो मानव सेवा से बढ़कर के कोई बड़ी सेवा नहीं होती। असली भक्ति क्या है? हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हम बाहरी भक्ति को वही भक्ति मान लेते हैं। हरि भजन जो हमारे जीवन के दोषों जो हमारे अंदर जो कलिमस है जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको मिटा दे वो क्या है? वो हमारे लिए हरि है। लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। हम बाहरी भक्ति में लगे होते हैं और बाहरी भक्ति में जीवन को गंवा देते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम भक्ति को समझे, अपने महत्व को समझे कि जो मानव जीवन मिला हुआ है उसको हम किस कैसे हम उसका सदुपयोग करें इसको हम समझे। हम जीवन तो बहुतों को मिला हुआ है लेकिन जीवन हम कैसे जीते हैं इसके महत्व को समझे। आज ये मानव जीवन कल्याण के लिए मिला हुआ है, भक्ति करने के लिए मिला हुआ है लेकिन आज हम भक्ति का काम नहीं कर रहे। कहाँ राग और द्वेष में लगे हुए हैं। घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हमको दो शब्द कहीं कटु कह दिया तो हम उसको प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। सास ने कहीं बहू को कुछ बात के लिए डांट दिया तो प्रतिक्रिया में पड़ जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे मन की, सदगुरु कबीर ने भी कहा कि मन की तरंग, ये जो तरंगे हैं मन में जो उड़ती हैं राग का द्वेष का ईर्ष्या का जलन का, इन तरंगों को समाप्त कर दे। इन जो बुराइयां हैं मन में उड़ते हैं उसको हम समाप्त कर दे तो समझो कि हमारे जीवन में भक्ति फलित हो रही है। घर में जितने भी सदस्य है उनको हम देवी देवता समझे, चाहे वो सास हो ससुर हो बहू हो बेटा हो, जो कोई भी जितने भी सदस्य हैं उनको यदि हम देवी देवता समझ लें उनके उनको उनके साथ में हमारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा। लेकिन जरा जरा सी बात पर थोड़ी थोड़ी बात पर हम तो झुंझला जाते हैं, कटुवाणी बोलने लग जाते हैं और व्यवहार खराब करने लग जाते हैं। अपना भी मन आसान और सामने वाले व्यक्ति का भी मन आसान, तो ऐसे अशांत मन से हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हैं। ऐसे अशांत मन से हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अपने मन को, अपने मन के अंदर मन के कलिमस को धोना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है या कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो पहले क्या करता है? अपने तन को साफ करता है। कोई भी मंदिर जाने वाले व्यक्ति को आप देखे होंगे बिना नहाए मंदिर का पूजा करने के लिए नहीं जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, पहले स्नान कर लेते हैं, अपने देह को अपने शरीर को साफ कर लेता है और अगरबत्ती फूल माला लेकर के मंदिर में जाते हैं। ऐसे ही यदि हम अपने अंदर यदि भगवान को उद्घाटित करना चाहते हैं, अपने अंदर के ईश्वर को यदि हम उद्घाटित करना चाहते हैं तो पहले हम अपने अंदर को साफ करें, अपने अंदर के कलिमस को धोए ज्ञान के साबुन से, अपने अंदर के क्रोध को मिटाए, अपने अंदर के लालच को मिटाए, अपने अंदर के ईर्ष्या को और ईर्ष्या को मिटाए तभी तो। और यदि काम क्रोध ईर्ष्या हमारे मन में बनी रहे तो हमारे जीवन में भक्ति फलित कदापि नहीं हो सकती है। हम चाहे जीवन भर सत्संग करते रहें, जीवन भर हम संतों के दर्शन करते रहें, ज्ञान की चर्चा सुनते रहें और मन में यदि हमारे कलिमस है, मन में हमारे राग द्वेष है, मन में असंतोष है तो हमारे जीवन में समझो भक्ति फलित नहीं हो रही है। यदि हम जीवन भर सत्संग करते हैं, सत्संग करते करते घर में जाते हैं तो लोगों के साथ घर के लोगों के साथ में वही कटु कुठार बात करते हैं, वही छल कपट की बात करते हैं तो फिर सत्संग करना भक्ति पढ़ना हमारा कोई लाभ कोई हमारा हमको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो मानव जीवन मिला हुआ है आज सभी महापुरुष सद्गुरु कबीर ने भी कहा मानुष जन्म अनमोल है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न तुझे बार, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। मानव जीवन तो मिल भी जाएगा लेकिन संतों के संग और सत्संग बहने भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सत्संग भी दुर्लभ है। इसीलिए आवश्यकता है
ये मानव जीवन मिला हुआ है उसको हम सदुपयोग करें, उसका हम उपयोग करें। इसी जीवन में हम अपने अपने आप अपने ज्ञान को उद्घाटित करें, अपने अपने अंदर के भगवत्ता को उद्घाटित करें, तभी हम इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। और आप सब भक्तिमय सुंदर जीवन जिए, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।